मित्रों, कल मेरे पास कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स आए। जैसे कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उस नाते वो मेरे से कुछ विषय के ऊपर बात करने हैं, कुछ विषय के ऊपर चर्चा करने हैं। दोस्तों, जो एक पीएचडी का स्टूडेंट है, देखा जा रहा है कि जैसे कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च का लेवल है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। जहाँ की जो बाहर के देश हैं वो रिसर्च में इतना कुछ आगे, इतनी ऊंचाइयां पाते जा रहे हैं, और हमारा देश, हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च के नाम पर नीचे गिरते जा रहे हैं। दोस्तों, ये इनके कारण क्या है? कल मैं कहीं रिश्तेदार के घर पर बैठा था, तो वहाँ मेरे को एक अमेरिका की एक स्टूडेंट थी, अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च कर रही थी, वो स्टूडेंट थी, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने जो उनके पैरामीटर्स बताए, उनकी लैब, उनके कंप्यूटर्स के जो पैरामीटर्स बताए, वो इतने हाई थे कि हम तो कभी उस बारे में उनको मैच करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनको कंप्यूटर्स में 32 GB रैम प्रोवाइड करी जा रही है, वेल इक्विप्ड उनकी लैब्स हैं, उनको रिसर्च करने के लिए फुल फ्रीडम दी जा रही है, और हमारे यहाँ ना ही स्टूडेंट को लैब्स ही नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। स्टूडेंट के पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है, स्पीड, हाई स्पीड कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों, मैं वाइस चांसलर सर को अनुरोध करना चाहूँगा, क्या हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि हम अपने रिसर्चर को, जो हमारे देश के रिसर्चर हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए अच्छी लैब, अच्छे कंप्यूटर नहीं प्रोवाइड करा सकते? हालांकि ये तो लैब और कंप्यूटर्स की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो उनकी प्रेजेंटेशंस, उनकी प्रेजेंटेशन जो वो देते हैं उसके ऊपर भी चाचा भतीजावाद किया जाता है, उसके ऊपर भी इतना भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, मुझे एक धक्का सा लगा जब मुझे ये बात पता चली, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो जब अपने पीएचडी की प्रेजेंटेशंस देते हैं, उस प्रेजेंटेशंस में उनके विषय से लेकर कुछ पूछा नहीं जाता है, या उस विषय से बाहर इतनी चीजें पूछी जाती हैं, और जो फेवरेटिज्म होता है, यहाँ पर जो फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है, जबकि किसी स्टूडेंट को कुछ उस रिसर्च के बारे में जो उसने करा हुआ है उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फेवरेटिज्म के कारण, उस टीचर का फेवरेट होने के कारण, वो जो पूरा पैनल है वो इसी हिसाब से बैठाया जाता है ताकि उसकी रिसर्च क्लियर हो जाए। और जो बेचारा मेहनत कर रहा है, 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहा है, एक एक इंटरनेशनल लेवल पे उसके पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उस रिसर्चर को ये लोग अटका देते हैं। उस रिसर्चर से उसके सब्जेक्ट, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाहर दुनिया भर के क्वेश्चन उससे पूछ लेंगे, मतलब उसकी रिसर्च पेपर उसे पब्लिश नहीं कर दे, उसका प्रेजेंटेशन अटका देंगे। हालांकि मेरे को ये भी सुनने में आया है, कुछ छात्र बता रहे थे कि हमारे यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट यहाँ से छोड़ तक के चले गए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत बीच में छोड़ दी। ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि हमारी कमी थी, हम उन्हें इस लेवल की इक्विपमेंट, इस लेवल की सिस्टम नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। अगर हम आज भी, हमारा जो देश का हम लोग भविष्य है, रिसर्च स्कॉलर भविष्य है, उनको भी हम, उनके साथ भेदभाव करेंगे, उनकी मेहनत पर भेदभाव करेंगे, तो ये तो बहुत गलत है। तो दोस्तों, मेरे वाइस चांसलर सर को मैं इसके रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम भी दे चुका हूँ, जिसमें ये लिखा है कि जितने भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन पीएचडी स्कॉलर देता है, उन्हें रिकॉर्ड करी जाए, उन्हें पूरी तरीके से रिकॉर्ड करी जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए, फेवरेटिज्म खत्म हो जाए, और जो बच्चा मेहनत कर रहा है इतने साल से, जो अपने इतने रिसर्च पेपर पब्लिश करा चुका है, उसकी पीएचडी ना रोकी जाए। हालांकि दोस्तों, मुझे कुछ छात्र बता रहे थे कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी थीसिस किसी अपनी मातृभाषा में लिखना चाहता है, तो उसे रोक दिया जाता है, बोला जाता है कि इससे, अगर हम अपनी मातृभाषा में थीसिस लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, तो उससे हमारे इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड गिरेगा। दोस्तों, आप ये बताइए कि जो हमारी थीसिस है, जो हमारा रिसर्च है, वो एक लैंग्वेज बेस्ड है, या फिर हमारा जो रिसर्च, हमने जो मेहनत करी है, उस पर डिपेंडेंट है? दोस्तों, तो ये मैंने वाइस चांसलर सर को ये अनुरोध भी किया है, उन्हें मेमोरेंडम भी दिया है, कि जो भी छात्र जिस भी भाषा में अपना थीसिस सबमिट करना चाहता है, उसे एक्सेप्ट करा जाए। वो जो स्टूडेंट सामाजिक समस्याओं के ऊपर रिसर्च लिख रहा है, वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में दे। उसको, उसकी बच्चे बता रहे थे कि उनकी थीसिस फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब चीजों पर थीसिस रोक दी जाती है। अरे भाई, वो बच्चा इंग्लिश में थीसिस कर रहा है, फिजिक्स में, या किसी और फील्ड में रिसर्च कर रहा है? दोस्तों, तो मैं अनुरोध करता हूँ, मैंने वाइस चांसलर सर को इस चीज का मेमोरेंडम भी दिया है, कि जो भी स्टूडेंट जिस भी भाषा में अपनी थीसिस सबमिट करना चाहे, वो उसे फ्रीडम दी जाए, वो उस भाषा में अपनी थीसिस सबमिट कर सके।
दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले वाइस चांसलर सर को भी सुना था, वो बोल उन्होंने बोलते हुए सुना था, उन्होंने बोला था कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो हमारे आजकल देश की सामाजिक समस्याएं हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, जब यूजीसी मल्टीडिसिप्लिनरी को प्रमोट कर रही है तो यहाँ पर टांग खिंचाई क्यों होती है? यहाँ पर अगर कोई बच्चा किसी टीचर का स्टूडेंट है, कल को किसी और फील्ड में वो रिसर्च करना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है, उसके साथ पूरा पूरा भेदभाव किया जाता है। जब हमारी यूजीसी, आप लोग केवल क्या मल्टीडिसिप्लिनरी दिखावा है, जो हमारे वाइस चांसलर सर सामाजिक समस्याओं को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो उन पे रिसर्च, बच्चों से अनुरोध करना चाहते हैं उन पर रिसर्च करें, तो फिर ये टांग खिंचाई क्यों? तो दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम मिलजुल कर जो भी यूनिवर्सिटी की समस्याएं हैं, जो हमारा एक पीएचडी स्कॉलर, हमारा रिसर्चर फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम उसे ना फेस करनी पड़े। दोस्तों तो मैं बताना चाहूंगा कि रिसर्च, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है, वो रिसर्च के ऊपर खड़ी है, तो रिसर्च के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा। और मेरी तरफ से 9781703915 मेरा नंबर है। अगर रिसर्चर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई भी उसे समस्या है, मुझे 24 घंटे किसी भी समय आप फोन कर सकते हैं, मैं उसी समय आपके लिए उपलब्ध होऊंगा। जो क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा देश है, वो रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है, वो रिसर्च से चलने वाला है, इन भेदभाव, इन टांग खिंचाई के ऊपर नहीं चलने वाला। तो रिसर्च के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरा नंबर है, आप जब भी मेरे को फोन करेंगे मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। और जो भी भेदभाव जो बच्चे इस फेस कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे और अच्छे से उस पे लड़ेंगे, ताकि कोई आगे से किसी भी स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। धन्यवाद।